हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम लोग आए हैं इस्कॉन टेंपल पार्क में घूमने के लिए, तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। इस पार्क का नाम है आस्था कुंज। यह नेहरू प्लेस के पास ही पड़ता है और इस पार्क का क्षेत्रफल है 154.92 एकड़। मंदिर से आने के बाद इधर से एंट्री होता है पार्क की ओर, तो इधर से अभी हम लोग आए हैं। यह पार्क साफ सुथरा एवं हरे भरे है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हमें देखने को मिल जाता है और फरवरी मार्च के महीने में यहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूल भी देखने को मिल जाता है, जिससे यह पार्क और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। चलिए वीडियो पे बने रहिए और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। हरे भरे पेड़ पौधे देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख ही सकते हैं पार्क कितना हरियाली है। तो अब ले चलते हैं लोटस टेंपल की ओर। चींटी अपना रास्ता ढूंढ रहा है। देखो दर्शी तो यहाँ पे धूप में आके बैठा है। मुझे पहनना है ये। हम आ गए लोटस टेंपल के पास। अंदर अभी जाना मना है, बंद है अभी। यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवाने के बाद काफ़ी देर तक हम यहाँ पे बैठे एंजॉय किए। अब जा रहे हैं आगे की ओर। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से लोटस टेंपल का व्यू। साइड में हरे भरे पेड़ पौधे और बीच में दिख रहा है लोटस टेंपल। ये किसी वीडियो में हम दिखाएंगे लोटस टेंपल पार्क का वीडियो और लोटस टेंपल भी सामने से। तो यहाँ पे लोग खेलने के लिए भी आते हैं, मैच खेल रहे हैं। और आ गए हम लोग। पार्क की सुंदरता बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो फूल लगाए जाएंगे उसके बीज यहाँ पे बोए गए हैं। छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं। ये डहलिया के पौधे हैं छोटे छोटे, फिर भी ये फूल के पौधे हैं। अभी छोटे छोटे हो रखे हैं पौधे, लेकिन बहुत अच्छे हो रखे हैं। आ जाओ नीचे उतरो। चलो अब हम चलेंगे इस्कॉन टेम्पल। पापड़ वगैरह भी बिकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। मंदिर प्रांगण में एंट्री होने से पहले चेकिंग वगैरह होती है, फिर उसके बाद यहाँ से आगे आना पड़ता है। ये है प्रसाद की दुकान, श्री श्री राधा पार्थ सारथी महाप्रसादम। फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं हाथ मुँह धोने के लिए, फिर जाएंगे मंदिर की ओर। तो यहाँ से हाथ मुँह धोने के बाद फिर हम आ गए वापसी मेन गेट पे, जहाँ से मंदिर की ओर एंट्री होती है। तो ये है मेन गेट। तो यहाँ से अभी हमें ऊपर जाना पड़ेगा बहुत ऊंचाई पे। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ, ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और आप भी हमारे साथ मंदिर का दर्शन कर लीजिए। थोड़ी दूर तक हम आ गए हैं जहाँ पे दुकानें वगैरह है वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ से अभी हमें आगे जाना है जहाँ पे जूते वगैरह जमा करना होता है, फिर उससे आगे जाना है मंदिर पे। पत्ती वगैरह लेना चाहते हैं, यहाँ पे है दुकान, कपड़ों की दुकान भी है, जलपान व्यवस्था भी है। अभी हम पहुँच गए जहाँ पे जूते जमा करना है वहाँ पे। या फिर जूता जमा करना होता है, फिर आगे जाना पड़ता है ऊपर। चढ़ाई करने के बाद अभी हम पहुंच गए मंदिर के मेन गेट पे। आप भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं, तो आप भी हमारे साथ भगवान जी के दर्शन कर लीजिए।
हम आ गए मंदिर के अंदर। यहाँ पे भी जिस तरीके से भीड़ है, भीड़ बहुत है मंदिर में। भगवान जी के दर्शन हमने कर लिए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं वापसी की ओर। अब चलते हैं मंदिर प्रांगण, घुमाते हैं आपको। तो मंदिर प्रांगण बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मंदिर की सुंदरता की जितनी भी तारीफ किया जाए कम है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर प्रांगण में ही कपड़ों की दुकान वगैरह है, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ पे मिल जाते हैं। और बाल गोपाल की मूर्ति वगैरह बहुत ही अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, पीतल के, पत्थर के। तो आप देख ही सकते हैं कितने सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे है, श्री कृष्ण भगवान और राधा जी की मूर्ति, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। मंदिर में हमने अच्छे से दर्शन कर लिए हैं, अब हम आ गए बाहर की ओर। तो यहाँ पे रंगोली बनाई गई है, कुछ प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, तो थोड़ी देर बाद प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे चल रहा है ये प्रोग्राम, श्री कृष्ण भगवान की रथ यात्रा। तो आप भी हमारे साथ रथ यात्रा के दर्शन कर लीजिए। यहाँ की नमकीन बड़ी अच्छी लगती है, तो यहाँ से हम ले रहे हैं नमकीन। मंदिर में दर्शन हमने अच्छे से कर लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं वापसी। तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।